मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एक आयशा नामी खातून जो कि मेहदीपट्टनम की रिहायशी बताई गई हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा है कि आमिर नामी एक जिम ट्रेनर ने उन्हें मोहब्बत में धोखा दिया। आशिक ने धोखा दिया, जिम ट्रेनिंग के दौरान उनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। माशुखा से शादी का इनकार करने पर माशुखा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक केस भी दर्ज करवाया है। माशुखा ने अपने आशिक पर इल्जाम लगाया है। देखिए आयशा नामी इस खातून का मीडिया के सामने क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नाज़िम, मैं मेहंदीपट्टनम पर रहने वाली हूँ। मैं अपने तबीयत के मुख्तलफ इन्फिनिटी जिम एबिट्स जाती थी, जहाँ मेरी मुलाकात मोहम्मद आमिर नामी से हुई। मोहम्मद आमिर वहाँ पर इन्फिनिटी जिम में पर्सनल ट्रेनर हुआ करते। मैं उनसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बात करी थी और वो मुझसे भी फ्रेंडशिप के लिए, जब वो मेरे पर्सनल ट्रेनर हो गए थे, वो मुझे फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट करे थे। मैं उनसे फ्रेंडशिप करी, फिर वो बोले कि मैं तुमसे लाइक करता हूँ और तुम्हें चाहने लगा हूँ, प्रपोज़ करे वो। जब मैं उनको थोड़ा टाइम लेके बात करी, एक्सेप्ट करी उनके प्रपोज़र को, उसके बाद में हम लोग साथ में रहते थे। वो हम लोग फिज़िकल रिलेशनशिप्स में भी थे। उसके बाद में वो मेरे अकाउंट से लोन्स लिए और उनके बहरी फुसली बातों में लेके आके मेरे अकाउंट से लोन, पैसा, हर वो चीज़ ले लिए वो। उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि उनकी शादी है, उनके फ्रेंड्स बताए थे, तब मैं उनसे पूछ रही, तो उन्होंने गालियाँ, बदतमीज़ी गालियाँ और मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि अगर मैं ये सब करूँगी तो उनके मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सबको जाके वो बोल देंगे कि ये सब करूँगी तो फ़ोटोज़ बता देंगे, छोटे सच्चे बातें लगाएंगे मेरी बदनामी फैलाने के लिए। हर हमेशा मोहम्मद आमिर मेरे को टॉर्चर करते रहे, मेरे से पैसे लेते रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पैसों से और मेरे पैसों के लिए बात करे। वो मेरे फ़ोन ले लिए, वो EMIs पे लोन ले लिए, वो मेरे से पैसे ले लिए। वो अब पता चला उनकी शादी है, उनके फ्रेंड्स बोले थे मेरे को कि उनकी शादी है, तो मैं जब पूछने लगी तो वो बोलने लगे कि मेरी शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। जब मैं भवानी नगर PS CT में कंप्लेन करी, तभी भी यही बोल रहे थे कि वो मेरी शादी नहीं है। जब मैं PS में कंप्लेन करी, FIR हो रहा था, तब बोले कि हम लोग शादी करने के लिए राजी है, FIR मत करो। फिर भी मैं उन लोगों की बात नहीं सुन के FIR कर दी। जब FIR हो गया, उनकी फैमिली हमारे घर पे, दो बहनें, दो भाइयाँ और उनके मम्मी पापा और एक बहन असरा, तालाब कट्टे पे रहने वाले, मुराद महल रोड अल-फजर मेडिकल के सामने रहने वाले, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन और उनकी मॉम डैड और उनकी सिस्टर असरा, ये सब लोग मुझे बोले कि शादी कराए थे, केस वापस ले लो, स्टेटमेंट दे दो कोर्ट में कि हम शादी कराने वाले। उन लोगों के पहली फुसली बातों में लाके फिर से एक बार उन लोग मुझे फिर से एक बार धोखा दिए, फिर से उन लोग मेरा मिसयूज़ करे, फिर से एक बार पूरी फैमिली मिलके, मोहम्मद आमिर और फैमिली उनकी, अभी ये बोल रही कि पूरा केस वापस ले लो, अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो हम तुम, फैमिली उनकी अभी ये बोल रही कि पूरा केस वापस ले लो, अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे घर पे लोगों को भेजेंगे, तुम्हारे साथ क्या कर सकते हम खुद नहीं मालूम है, तुम्हारा ऐसा काम करेंगे, तुम किसी को मिलेंगे भी नहीं। तो वो लोग मुझे टाइम दिए, 1 मंथ में ऐसा कुछ केस ख़त्म कर दो, अगर तुम ये सब नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो उन लोग मेरे को हमेशा टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इंसाफ़ चाहिए आप सब से, मुझे इंसाफ़ होना, मेरी ज़िंदगी का इंसाफ चाहिए मेरे को। मोहम्मद आमिर की फैमिली झूठा एफिडेविट बना के डालेगी कि मैं केस ख़त्म करना चाह रही हूँ, लेकिन वो एफिडेविट का इल्म ही नहीं है। वो लॉयर्स भी, मोहम्मद आमिर की पूरी फैमिली मेरे साथ चीट करी, ये सबका मुझे इंसाफ चाहिए। वो लोग झूठा एफिडेविट बना के डाल दिए जिसकी नॉलेज ही नहीं है मेरे को।
जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।